चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां कुलदीप बिश्नोई के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अटकाया रोड़ा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि क्या कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सही है। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अलग अलग नामों को लेकर चल रही चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान कुलदीप बिश्नोई को सौंपने का मन पूरी तरह बना लिया था और कुमारी शैलजा को राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजने की तैयारी की गई है। कुलदीप बिश्नोई के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड़ा अटका दिया, अन्यथा हरियाणा कांग्रेस को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाता। राहुल गांधी से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात भी हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा खुद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और ना ही नेता विपक्ष की कुर्सी छोड़ना चाहते, जबकि हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष की कमान कुलदीप बिश्नोई को सौंपने के लिए पूरी तरह से सहमत है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा द्वारा कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनने से रोकना दोनों के बीच की खाई को दोबारा बढ़ा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई का हुड्डा खेमा में जाना भी उन्हें रास नहीं आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल ने किसी भी कार्यकर्ता को कल चली गलत खबरों के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। इस तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो बदलाव की खबरें चल रही है वो सभी बेमानी हो जाती है। वहीं जुलाई तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को विराम लग गया है। AICC के एक बड़े नेता ने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा और उसके समर्थक विधायकों की शैलजा को राज्यसभा में भेजने के लिए जरूरत है। इसके बाद हाईकमान तय करेगा कि किसे प्रदेश की कमान सौंपनी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल ने मुख्यमंत्री न बनने पर कहा था कि गांधी परिवार माफ नहीं करता, साफ करता है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।